हमारे देश में एक से बढ़कर एक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां वीवीआईपी पेड़ है, जिसकी देखरेख के लिए हर महीने 1,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन या अन्य वीवीआईपी लोगों को मिलने वाली सुरक्षा इस पेड़ को दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल नहीं सुना है, इस पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है, जिसकी सुरक्षा में 4 गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। आइए विस्तार से जाने आखिर क्या है इसकी खासियत। दरअसल ये वीवीआईपी पेड़ भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर स्थित है। 100 एकड़ की पहाड़ी पर लोहे की लगभग 15 फीट ऊंची जाली अंदर लगा बोधि वृक्ष का ये पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं। 4 गार्ड हर पल इसकी देखरेख करते हैं, जिससे ये सुरक्षित रहता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेड़ के रखरखाव में हर साल लगभग 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। बता दें कि इस बोधि वृक्ष को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने 21 सितंबर साल 2012 को रोपा था, जिसका बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इसका काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि बौद्ध धर्म गुरु चंद्र रतन के अनुसार तथागत बुद्ध ने बोधगया में इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस पेड़ की शाखा भारत से सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका ले जाई गई थी और इसे अनुराधापुरम में लगाया गया था। बाद में उसी पेड़ की एक और शाखा को सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की जमीन पर लगाया गया, जो इसे बौद्ध संस्कृति के लिए खास और प्रतीकात्मक स्थान बनाता है।